Do subscribe and press the bell icon. So when we will upload video, you will get notified. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो कि कोरोना वायरस से संबंधित यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है आगामी परीक्षाओं में, तो इन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा। और जैसा कि ये पेंटिंग है जो कि अभी भारत सरकार के द्वारा एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है जिसमें 6 to 12th कक्षा के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है, तो उसी से ही मैंने ये पेंटिंग ली है। संक्रमण से बचना है तो पहले धोएं हाथ, फिर छुएं नाक मुंह और चेहरा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये पेंटिंग देख रहे हैं, एक रितेश जो कि स्टूडेंट है क्लास 12th का, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग का मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया है। उसके आगे प्रश्न है, जैसा कि कोरोना संक्रमण पर आधारित प्रश्न है, तो जो कि ये भी उन्हीं से मैंने लिया है। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोना का संक्रमण सर्वप्रथम किस देश में फैला, तो आप सभी को पता होगा वुहान शहर जो कि चीन में है। और दूसरा प्रश्न है, वुहान शहर चीन में किस प्रांत में स्थित है, तो हुनई प्रांत, ठीक है, हुनई प्रांत में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो COVID-19। चौथा प्रश्न है, कोरोना COVID-19 से फैलने वाला विषाणु का नाम क्या है, सार्स COV2। और सार्स ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SARS सार्स का पूरा नाम क्या है, इसका एब्रीविएशन आ सकता है, तो सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा अवश्य। सार्स का एब्रीविएशन आ सकता है और मार्स का आ सकता है, MERS का एब्रीविएशन आ सकता है, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो चौथा और पांचवा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न मैंने आपको बता दिया। सातवां है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना की संरचना किस आकार की दिखती है, तो अर्थात आपको पता होगा मुकुट, जिसको CROWN क्राउन के आकार की होती है। आठवां प्रश्न, कोरोना की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, RT-PCR टेस्ट किया जाता है। और PCR टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है। नौ नंबर क्वेश्चन है, लॉकडाउन का कोरोना संक्रमण रोकने में क्या अर्थ है, क्या कार्य है। लॉकडाउन में लोग घरों में बाहर रहकर संक्रमित व्यक्तियों से दूर हो जाते हैं और संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। दस प्रश्न है, कोरोना COVID-19 में 19 का अर्थ क्या है, 19 का अर्थ है 2019 से इसका संबंध है। भारत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मार्च को लगाया गया था, ये आपको डेट याद करनी है, डेट अवश्य पूछी जाएगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी आगामी हैं। और एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जिनके फॉर्म आ चुके हैं और एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जो पोस्टपोन हुए हैं, वो ही होंगे, और जो नोटिफिकेशन आप लोग सुन रहे थे, अभी कुछ दिन और आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी को चीज़ें पता हैं और गुमराह करने वाली बात अलग होती है, मगर आपको वास्तविकता पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जून तक तो संभावना नगण्य है, कोई भी अधियाचन या कोई वैकेंसी न्यू नहीं आनी है। उसके बाद पटरी पे लाने के लिए, जो भारत सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अपना प्रोग्राम चालू करेगी, उस पर ज़्यादा फोकस करेगी, तो उसके बाद क्योंकि जितनी भी राज्य सरकारें हैं या भारत सरकार है, वैकेंसी पहले भी इतनी नहीं आती थी, और अब तो उनके पास एक और कारण मिल गया उन्हें भर्ती ना देने का, क्योंकि बताएंगे बजट नहीं है या अर्थव्यवस्था अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए जिनके एग्ज़ाम लगे हैं आगामी, उन्हें फोकस्ड तैयारी कर लें, और इन परीक्षाओं से आप दूर हो गए, वंचित रह गए, तो मुझे लगता है 1.5 से 2 साल आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो हाँ, बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में कोरोना के कारण सर्वप्रथम लॉकडाउन किया गया था, राजस्थान, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तेरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि पंजाब ने संपूर्ण कर्फ्यू लगाया है पूरे पंजाब में। चौथा प्रश्न है, COVID-19 में VI का अर्थ है, क्योंकि CO यहाँ पे COVID होता है, तो इस VI का अर्थ क्या है, तो VI का अर्थ होता है वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट है, VIRUS, ठीक। अगला है 15 क्वेश्चन, कोरोना वॉरियर्स यानी कि योद्धा कौन है,
कोरोना संक्रमण की रोकथाम व उपचार में लगे सभी चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी एवं सफाईकर्मी सभी कोरोना वॉरियर्स कहे गए हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में अमेरिका को अभी वर्तमान में किस दवा का निर्यात किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे बनती है? सिनकोना की छाल से, ठीक है। मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और सिनकोना जो कि पेरू के वायसराय थे सिनकान, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। और बेसिकली सबसे पहले ये साउथ अमेरिका में पाया गया था ये वृक्ष, और उसके बाद भारत में पश्चिम बंगाल में लगाया गया, दार्जिलिंग क्षेत्र में और कुछ पर्वतीय रीजन में इसको लगाया गया। 17 नंबर प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से अब तक सबसे अधिक मृत्यु वाला देश कौन सा है? अभी तक सबसे पहले तो इटली था, अब वर्तमान में बात की जाए तो अमेरिका हो गया है नंबर एक पे। कोरोना का संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? सार्स सीओवी टू विषाणु के द्वारा, एक वायरस जनित रोग है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो कोविड 19 या कोरोना बीमारी है किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु, विषाणु, कवक या लाइकन, कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो आपको याद रखना है विषाणु, वायरस के जनित रोग है ये। 19 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु का एक विशेष लक्षण बताओ। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लक्षण होता है, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों ही तरह के होते हैं, बीच की कड़ी होती है वायरस। कोरोना संक्रमण में बचाव के उपाय क्या होते हैं? सामाजिक दूरियां बनाकर रहना, साबुन पानी से हाथ धोना, मास्क का प्रयोग करना और जहां तक हो सके घरों में रहकर हम कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित है तो वो मैं बता रहा हूँ, और ये जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामान्य प्रश्न है वो भी मैंने यहाँ पे इनको दिया गया है यहाँ पर। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे उनको मैं आपको अवश्य बता रहा हूँ, टिक करके उन्हें, जैसा कि ये फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है और जो आप सांस लेते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के क्या लक्षण हैं? खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये तीनों हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण में कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको चार ऑप्शन देंगे, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या थकान, ठीक। तो ऐसे डाल सकता है, तो आप सभी को याद रखना है खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, और वो भी सूखी खांसी। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना को महामारी किस संस्था द्वारा घोषित किया गया है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। और आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि WHO में कितनी कंट्रियां हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, इतनी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना को राज्य की आपदा घोषित किया गया है? केरल में। WHO ने कोरोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केरल में सबसे पहले राज्य की आपदा घोषित किया गया है कोरोना को। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि दान की है? $675 मिलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उन्हें अवश्य गौर से देखिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, COVID-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? तो भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया, यानी कि आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चालू किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री COVID-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरिस जॉनसन जो कि हाल ही में कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको देश याद करना है ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन दे सकता है, तो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। अच्छा प्रश्न है, यह भी पूछा जा सकता है COVID-19 की पहचान कब हुई थी? चीन में 8 दिसंबर 2019 को, ये डेट भी आपको याद करनी है। कोरोना से निपटने के लिए इस राज्य की सरकार ने टीम 11 का गठन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य आएगा, ठीक है। टीम 11 आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो टीम 11 गठन की गई है इसे आपको याद करना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, COVID-19 से भारत के किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? कर्नाटक राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। ये जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद करना है। जो जूनाटिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे वायरस जो जानवर से मनुष्यों में फैलता है उसे जूनाटिक विषाणु कहते हैं।
चौथे नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों कारीगरों के लिए कितना राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 1.7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, और वर्तमान में हमारी ये वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, भारत सरकार। ये पैकेज आपको याद करना है, 1.7 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों के लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कोरोना कवच, कोरोना कवच। 36 नंबर प्रश्न है, कोरोना कोविड 19 का संक्रमण काल कितने दिन का होता है? 11 से 14 दिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड 19 का संक्रमण काल कितने दिन का होता है? 11 से 14 दिन का होता है। इतने समय में संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कोविड 19 के कारण आई वैश्विक मंदी की घोषणा, वैश्विक मंदी की घोषणा किसके द्वारा की गई है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा यानी किस देश ने कोरोना वायरस में लड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भारत के द्वारा। और फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जो विश्व में सबसे कम समय में डाउनलोड किया गया ऐप है। कम समय में 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, सबसे तेजी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। और कोरोना के उपचार ढूंढने में लगी भारत की संस्था ICMR का पूरा नाम क्या है? एब्रीविएशन आपसे पूछा जा सकता है ICMR का, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कोविड 19 संक्रमण को रोकने का दो महत्वपूर्ण उपाय क्या है? घरों में रहना, अधिक से अधिक जांच कोविड 19 से हित करने के लिए। कोरोना बचाव में प्रयुक्त क्वारंटीन का अर्थ क्या है? क्वारंटीन में संक्रमित व्यक्ति संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से 14 दिनों तक अलग रखा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे थोड़ा व्यक्ति या जिसमें संदिग्ध जिसको पाया जाए उसको सभी लोगों से अलग रखा जाता है। क्वारंटीन का मतलब ये होता है 14 दिन के लिए। महामारी रोग अधिनियम क्या है? महामारी रोग अधिनियम 1897, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 महामारी अधिनियम कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए लाया गया 123 वर्ष पुराना कानून है। उसकी धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार महामारी रोकने से संबंधित कानून बनाती हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो इसके तहत IPC की धारा 269 और 270 के तहत केस भी दर्ज कर सकती है। अब यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संक्रमित व्यक्ति पालन नहीं करता है गाइडलाइन का, तो उसके ऊपर 307 IPC की धारा, यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, इसका प्रयोग कर सकता है भारत सरकार। और अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में कोरोना कोविड 19 का पहला मरीज कहाँ चिन्हित किया गया था? 30 जनवरी 2020 को केरल में, ये आपसे पूछा जा सकता है। केरल राज्य में सबसे पहले आया था 30 जनवरी को। कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कोरोना वायरस किसमें महामारी से संबंधित है? SARS और MERS से। कोरोना संक्रमण को रोकने में सुरक्षा हेतु चिकित्सकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का नाम क्या है? PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये एब्रीविएशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा देखते होंगे ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं, पूरा कवर रहता है। किस भारतीय वैज्ञानिक की अनुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो SS वासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SS वासन, पूछा जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कोविड 19 द्वारा वैश्विक मंदी से प्रभावित देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत 10वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश यूरोप है। वैश्विक मंदी से प्रभावित देशों में भारत का 10वां स्थान है। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स शेयर अवश्य करें, और इनसे इसको PDF फॉर्मेट में मैंने दे दिया है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसका मैंने लिंक दे दिया है, और वहाँ पे सभी प्रकार के PDF, और आप यदि किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, विभिन्न पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं PDF फॉर्मेट में, तो आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे दिया गया है। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, कोविड 19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की? CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे, और ये अंतिम है एक और बच्चे के द्वारा बनाया गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।